देखो नैया। तस्वीरों में आप देखिए बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाया जा रहा है, एक एक कर चुन चुन कर यहाँ पर हटाया जा रहा है और रण क्षेत्र में तब्दील हो चुका है पटना का डाक बंगला चौराहा। महिला कार्यकर्ताओं को यहाँ हटाया जा रहा है, इसके अलावा जो बीजेपी के विधायक थे, एमएलसी थे, उन्हें भी हटाया जा रहा है और पुलिस यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं और यहाँ पर एक बार फिर से लाठियां चलाई जा रही हैं। बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर यहाँ पर मारा जा रहा है, ताकि कई विधायक हैं यहाँ पर और यहाँ पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को अंदर आइए, बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर पुलिस निकाल रही है जो छुप गए थे और उन्हें मारा जा रहा है, यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि डाक बंगला चौराहे को खाली कराया जा सके। और यहाँ पर सिर्फ आपको लाठियों की आवाज़ सुनाई देगी। बीजेपी के कार्यकर्ता नेता पहुँचे थे डाक बंगला चौराहा, विधानसभा मार्च चौराहा था और उस मार्च के दौरान पुलिस ने रोक दिया डाक बंगला चौराहे पर और बीजेपी के नेताओं को यहाँ पर पुलिस ने चुन चुन कर यहाँ पर पुलिस ने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की। आपको एक और तस्वीर हम दिखाना चाहेंगे, यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से यहाँ पर भगदड़ मची और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को चुन चुन कर निकाला जा रहा है। ये अपार्टमेंट का रास्ता है, पीछे अपार्टमेंट है और नीचे की तस्वीर आप देखिए गाड़ियाँ गिरी हुई हैं, यहाँ पर जो कपड़े हैं वो गिरे हुए हैं, झंडे गिरे हुए हैं, चप्पल गिरे हुए हैं और तस्वीरों में आप देखिए ये चप्पल गिरे हुए हैं और यहाँ पर फिर से लाठियाँ चटकाई जा रही हैं और यहाँ पर तस्वीरों में आप देखिए पुलिस एक एक को निकाल रही है। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से जूते चप्पल सारे बिखरे पड़े हैं, गाड़ियाँ गिर चुकी हैं और पुलिस बीजेपी के कार्यकर्ताओं नेताओं को निकाल रही है। आप अंदर में देखिए कई लोग जो हैं वो अंदर में है और लगातार यहाँ आंसू गैस के गोले यहाँ छोड़े जा रहे हैं और रास्ते में फंस गई। हाँ लग गई। आप लोग कौन हैं? मैं एडमिशन कराने आई थी, मैं आम पब्लिक हूँ। क्या सवाल? नहीं, हमारा ऑफिस है, प्लीज ऐसा बंद कीजिए, यहाँ से जाइए आप लोग, बिल्कुल जाइए यहाँ से। हाँ यहाँ से जाइए, परेशान करना बंद कीजिए। यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि लगातार यहाँ पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं लगातार और बीजेपी के नेताओं कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर निकलकर सामने आ रही है, फ्रेजर रोड की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सरकार नहीं चलेगी, नहीं। वो मैडम आप लोग चली गई थी डाक बंगला चौराहे के पास, हम लोग को पहले ही ये लोग रोक दिए, लाठी डंडा चढ़ा, हम लोग शांतिपूर्ण जा रहे थे लेकिन इन लोग शांतिपूर्ण मार्च को अभी विधानसभा तक नहीं पहुंचने दिए, लाठी चलाया है, बुरी तरीके से लाठी चार्ज हुआ है, हमारे कई कार्यकर्ताओं का सिर फूटा है, हम लोगों को जबरदस्ती किया जा रहा है, रोड पर से हटाया जा रहा है, महिलाओं पर भी लाठी चार्ज कर रहे हैं और मार रहे हैं, ये नहीं करना चाहिए इन लोगों को। ये नीतीश कुमार की आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं और स्वाभाविक तौर पर यहाँ पर जो तस्वीरें हैं वो बहुत ही यहाँ पर आक्रामक तस्वीरें हैं, आंखें जलने लगी हैं और हम लोगों की भी आंखें जल रही हैं। कोशिश की जा रही है कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनको रोका जाए और संजय गोली चलाया गया, आंसू गैस चलाया गया, कपार फोड़ दिया गया, आतंकवादी जैसा व्यवहार यह सरकार कर रही है, अपराधी को पकड़ने की हिम्मत नहीं है लेकिन आतंकवादी वाला व्यवहार कर रहे हैं। ये नीतीश के गुंडे
आतंकवादी वाला व्यवहार कर रही है, किसी हालत में भी ये बर्दाश्त, आम जनता इसको देख रही है, ये गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये अपराधी जैसा और आतंकवादी जैसा व्यवहार कर रहे हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर फिर से जो महिला बीजेपी के कार्यकर्ता है उनको हटाया जा रहा है।